प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है, उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी 21वीं सदी में लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करने का जो मादा है, जो एक प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिए। और देखिए ये अद्भुत दृश्य राजघाट पर इस समय, जब दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि इस समय वहां पर मौजूद हैं और वो पहुंच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, लूला डी सिल्वा, एंथनी एल्बनीज, ऐसे अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please.
थैंक यू एक्सलेंसीज। इस समय G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों प्रतिनिधियों ने राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगर इनमें देखें तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज, जॉर्जिया मेलोनो, जोको विडोडो, रेसेप तैयब अर्दोवान, सिरिल रामफोसा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल समेत अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ऐसा क्षण जय अगर देखें तो कभी कभी आता है कि जब दुनिया के इतने बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचकर श्रद्धावनत हों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने।
और महात्मा गांधी जी के ही लिए कहा गया है कि एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक युग निर्माता के रूप में महात्मा गांधी को पूरी दुनिया याद करती है। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि कैसे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे राष्ट्राध्यक्षों ने पहुंचकर सामूहिक रूप से श्रद्धासुमन अर्पित किए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और साथ ही साथ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश एकजुट हो, ये जो भारत है वो हम सभी के सपनों का भारत है, और महात्मा गांधी के ने जो सपना देखा था एक विकसित राष्ट्र का, जिसके लिए हमने 2047 का एक लक्ष्य रखा है, कहीं ना कहीं वो अब साकार होता दिख रहा है। आज ये तमाम नाम जो इस वक्त यहाँ पर हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये विश्व की वो शक्तियाँ हैं जो आज नतमस्तक हुई भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने। कहीं ना कहीं भारत के मौजूदा नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व की मजबूत इच्छा शक्ति, उसकी कूटनीतिक सफलता का ये एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत, जिसे साकार करने के लिए इस वक्त 140 करोड़ भारतवासी जुटे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बात का प्रमाण है, हमारी इस जीत का सेहरा कहीं ना कहीं उसी के चेहरे पर जाता है जो आज अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से विश्व की तमाम इन शक्तियों को एकजुट कर पाया है। आज पूरा विश्व इस बात पर सहमत है कि 21वीं सदी शांति की सदी हो सकती है। आज वैश्विक समुदाय के समग्र विकास का ये युग है, और पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में एकजुट होना चाहिए। भारत की वर्षों पुरानी विरासत को, वसुधैव कुटुंबकम की इस मूल मंत्र को आज साकार करते हुए भारत ने कर दिखाया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता कहें या उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ये एक बड़ी सफलता कहें कि वैश्विक समुदाय के समग्र विकास के युग की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व की इन तमाम शक्तियों को एक मंच पर एकजुट कर दिया है। आज वो समय है जब हमें संतुलन बनाए रखना